दोस्तों, अगर आप भी कच्चा प्याज खाते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर नहीं खाते हैं कच्चा प्याज तो आज से ही खाना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कच्चा प्याज खाने के फायदे के बारे में, और साथ ही कच्चा प्याज खाने से कई तरह की जो बीमारियां रिवर्स होती है उसके बारे में। दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में अंत तक, इस वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं वी मेडिकल फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कच्चा प्याज खाने का जो पहला बेनिफिट है वो क्या है। तो दोस्तों कच्चा प्याज खाने का जो पहला बेनिफिट है वो है आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। दोस्तों कच्चा प्याज का रस जब आपके भोजन के साथ आपके पेट में जाता है तो इससे आपके पेट में गैस नहीं बनती है, आपका भोजन जो है वो अच्छे से पचता है, इससे आपको कब्ज नहीं होती है, गैस अफारा जितनी भी समस्याएं होती है पेट की वो आपको नहीं होती है। तो दोस्तों कच्चा प्याज खाने का ये पहला बेनिफिट है। दूसरा है दोस्तों आपके स्किन के लिए। दोस्तों कच्चे प्याज में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, इससे आपके स्किन में दाग धब्बे झुर्रियां जो भी समस्याएं होती है वो नहीं होती है। तो कच्चा प्याज जरूर आप खाइए आपके स्किन के लिए। तीसरा है दोस्तों, अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो भी कम होती है। एक दोस्तों नुस्खा भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा हो तो कच्चे प्याज का रस निकालकर उसे शहद के साथ मिलाकर उसका सेवन करें, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो सर्दी जुकाम की समस्या है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों कच्चा प्याज विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये आपके इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, तो कच्चा प्याज का सेवन आप जरूर करें। अगला बेनिफिट है दोस्तों आपके डायबिटीज के लिए। दोस्तों शुगर को कंट्रोल करने के लिए कच्चा प्याज का सेवन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कच्चे प्याज में सल्फर होता है और ऐसे बहुत सारे गुणकारी तत्व होते हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है, इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। दोस्तों कैंसर सेल्स के लिए भी कच्चे प्याज का सेवन लाभकारी माना जाता है, सल्फर और भी इंग्रेडिएंट होने के साथ ये आपके कैंसर सेल्स को खत्म करता है, तो कच्चा प्याज का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। आपके शरीर में अगर कहीं पर भी कोई चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, उसमें सूजन दर्द हो जाता है, तो इसमें भी कच्चा प्याज अगर आप खाते हैं तो घाव भी आपका जल्दी ठीक होता है और दर्द सूजन भी कम होता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है। दोस्तों पल्स यानी बवासीर की समस्या से अगर किसी को परेशानी है तो उसमें कच्चा प्याज का सेवन को जरूर करना चाहिए, क्योंकि पल्स भी पेट से शुरू होने वाला एक बीमारी है, तो जब आप कच्चा प्याज खाते हैं तो पेट फिट रहता है, और दोस्तों जब आपका पेट फिट रहता है तो आप भी फिट रहते हैं। दोस्तों ये थे कच्चा प्याज खाने के फायदे। अब हम बात करते हैं कच्चा प्याज और पका हुआ प्याज में क्या अंतर होता है। दोस्तों जब आप प्याज को ज्यादा पका लेते हैं उसमें सल्फर और जितनी भी इंग्रेडिएंट होती है वो डेड हो जाती है, इसलिए पका हुआ प्याज आपको उतना फायदा नहीं पहुंचाता है जितना कि कच्चा प्याज पहुंचाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों में यह भी समस्या देखी जाती है कि कच्चा प्याज खाने से उनके मुंह से दुर्गंध आती है और इनका स्वाद उनको नहीं पसंद होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप कच्चा प्याज का चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।